व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। हम डिस्कस कर रहे हैं पार्लियामेंट्री कमेटी, किस तरीके से पार्लियामेंट्री कमेटी हम लोगों ने देखा पार्लियामेंट का बर्डन कम करती है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बहुत सारे काम होते हैं, वो अलग अलग एरिया को डील करते हैं, अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग टाइम पर बिल्स लेकर आते हैं पार्लियामेंट में, उसके बाद में उनको एक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो उसमें कोई भी किसी भी तरीके की कमी ना आ जाए, एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करके चला जाता है। उसी के तहत हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है कि बहुत सारी कमेटी यहाँ पर होती है जो कि उनको सपोर्ट करती है कि ताकि वो अपना जो कार्य होता है उसको प्रॉपर वे में अंजाम तक पहुंचा सके। इसी के तहत हम लोगों ने अब तक देखा पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर दो तरीके की कमेटी हुआ करती है, एक तो होती है स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी होती है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी के तहत हम लोगों ने देखा छह प्रकार की कमेटी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टोटल डिटेल में मैं इनको डिस्कस कर चुका हूं। जिस किसी ने नहीं देखा है सारे लेक्चर जाके देख सकते हैं, नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे। आज हमारा फोकस रहने वाला है एडहॉक कमेटी के ऊपर। एक बात और बता दूं आप लोगों को, पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी होती है ये आप लोगों को यहां पर नजर आएंगी, सारी कमेटी यहाँ पर परमानेंट टाइप की कमेटी है, मतलब ये परमानेंट रहती है, इनको टाइम टू टाइम कंस्टिट्यूट किया जाता है, एक साल के बाद दूसरे फिर से स्टार्ट कर दिया जाता है, इस तरीके से इनकी एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। पर एडहॉक कमेटी ऐसी नहीं होती है, एडहॉक कमेटी एक एडहॉक बेसिस पे क्रिएट की जाती है, मतलब अभी कोई काम था हमने एक कमेटी बना दी, हमारा काम खत्म हो गया तभी ये कमेटी की कहानी खत्म हो जाती है। इस तरीके से जो कमेटी बनाई जाती है इसको, इस तरीके की कमेटी को हम लोग एडहॉक कमेटी कहते हैं। और इस तरीके की कमेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कुछ सिचुएशन कुछ टाइम ऐसे होते हैं हमारे पास में कि ये स्टैंडिंग जो कमेटी होती है इनके पास में फुर्सत नहीं होती है कि इनको पर्टिकुलर मुद्दा दिया जाए, और इसके अलावा उस पर्टिकुलर मुद्दे के लिए बहुत सारे स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है, तो अलग से उनको बुलाया जाता है और अलग से वहां पर चीजें देखी जाती है कि क्या क्या इस एरिया को डील करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए एडहॉक कमेटी का यहां पर गठन किया जाता है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी में हमारा स्टैंडिंग कमेटी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीट सारी बातें इसके बारे में। अब नेक्स्ट हमारे यहां पर ये टॉपिक है, ये है एडहॉक कमिटीज, तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहां पर लेने वाले हैं। तो पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कितने तरीके की होती हैं, तो दो तरीके की होती हैं एडहॉक कमेटी। एक तो होती है पहली इंक्वायरी कमेटी, मतलब ये इंक्वायर करती है कि क्या क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, उसके बेसिस पर ये बनाई जाती है। दूसरी तरीके की होती है एडवाइजरी कमेटी। देखिए आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट कंडीशन बन गई, जैसे कि पार्लियामेंट आप लोग ले लीजिए, हमारी पार्लियामेंट है उसमें एकदम सिक्योरिटी की बात की गई, ठीक है, और अगर बात कर लीजिए बैंकिंग सिस्टम की, बैंकिंग सिस्टम में एकदम रेगुलेशन की बात की गई, ठीक है, तो इस तरीके की जो सिचुएशन बनती है बैंकिंग सिस्टम में आप लोग देख सकते हैं क्या क्या आज की डेट में क्या क्या कहानी चल रही है, तो उसको किस तरीके से सुधारना है, या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो एमपीलैड फंड होता है उसको किस तरीके से यूज करना है, उसमें कई सारी कमियां खामी पाई जा रही है यूज करने में, तो उसकी इंक्वायरी करती है और इसी तरीके से एडवाइस भी यहां पर दी जाती है। तो दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है, पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा इंक्वायरी और दूसरी आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर एडवाइजरी। तो दोनों कमिटीज के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एडहॉक कमेटी के अंदर आते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से हम लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी देखी थी, पर लेकिन ये एडहॉक बेसिस पर होती है, जैसे ही उस पर्टिकुलर काम का पर्टिकुलर काम जिसके लिए बनाई गई है वो कंप्लीट होता है उसी टाइम पर ये कमेटी भी अपना रास्ते लग लेती है, ठीक है, जब तक काम रहता है तब तक ये काम रहता है, उसके बाद में फिर काम खत्म तो इनका भी काम खत्म, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। हम लोगों को आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आप लोगों को वहां पर देखने को मिली, तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का काम कंप्लीट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया गया, हमारा संविधान जैसे ही बनाया गया वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी साइड में कर दी गई, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए यहां पर क्वेश्चन बताइएगा, कई बार बता चुका हूं इसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए जो प्रपोज किया गया था फर्स्ट टाइम किसके द्वारा किया गया था 1934 में, उस पर्सन का नाम बताइए, कम्युनिस्ट मूवमेंट से रिलेटेड थे वो, कम्युनिस्ट आप लोग पार्टी देख सकते हैं कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड थे, तो पर्सन का नाम आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, तो आइए आप आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर इस जो कमिटी है दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या ये किस किस एरिया से डील करती हैं। तो पहले देखते हैं यहाँ पर इंक्वायरी कमेटी के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर कि जो इस तरीके की कमेटी होती है यहाँ पर दोनों हाउसेज में देखने को मिलती है, लोकसभा में भी देखने को मिलती है और राज्यसभा में भी देखने को मिलती है, तो दोनों ही हाउसेज में देखने को मिलती है, और यहाँ पर स्पीकर और चेयरमैन, स्पीकर बात करते हैं लोकसभा की और जब चेयरमैन हम लोग वर्ड यूज करते हैं तो ये होता है राज्यसभा में, तो देखने को मिलता है यहाँ पर अगर कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट है और कोई कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके लिए यहाँ पर ये कमेटी सेटअप की जाती है, तो टाइम टू टाइम कमेटी सेटअप की गई है, जब जब बात आती है फाइव ईयर को प्लान करने की, तो हर साल तो फाइव ईयर प्लान होता नहीं है, जब किसी पर्टिकुलर फाइव ईयर प्लान के लिए कमेटी सेटअप करने की बात आती है तब सेटअप की जाती है। मैंने बोला था आप लोगों को एमपी लैड्स के लिए, इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, मतलब जो हमारे सांसद होते हैं उनका जो एरिया होता है तो उसको डेवलपमेंट की जब बात की जाती है तो इनको फंड दिया जाता है, तो किस तरीके से वो फंड का यूटिलाइज
डिजिटलाइजेशन हो रहा है, किस तरीके से कहां कहां पे क्या क्या चीजें हो रही हैं, उस तरीके से वो सारी बातें यहां पर इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। इसके तहत कमिटी सेटअप की जाती है, ठीक है। ज्वाइंट कमिटी ऑन फर्टिलाइजर प्राइसिंग, हमारी कंट्री एक कृषि प्रधान कंट्री है और यहां पर एग्रीकल्चर के बेस पर काम होता है काफी हद तक, तो किस तरीके से हम अपनी कंट्री को अच्छी फर्टिलाइजर की फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, तो उनके ऊपर क्या क्या पॉलिसीज हैं उनको देखा जाता है यहां पर, उसके लिए कमिटी सेटअप की गई। इंक्वायरी करने के लिए इरेगुलरिटीज जो पाई जाती है सिक्योरिटीज एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन में, आप लोगों को देखने को मिलता है कई बार कई सारे के अकाउंट से पैसे इधर उधर हो जाते हैं, कई बार आप लोगों को फ्रॉड देखने को मिलता है, तो इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है उल्टे सीधे जो ट्रांजेक्शन हो जाते हैं जिनका हम लोगों को कुछ पता भी नहीं रहता है और हमारे बैंक में से पैसे इधर उधर हो जाते हैं, या कई बार सिक्योरिटी की बात की जाती है जब बैंकिंग सिस्टम की, तो तब भी यहां पर आप लोगों को इस तरीके की कमिटी देखने को मिली। पार्लियामेंट की जब बात आती है कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी के लिए, आप लोगों को देखने को मिला था पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया गया था, तो ये हादसा हुआ था आप लोगों को देखने को मिला था 13 दिसंबर 2001 में आप लोगों को देखने को मिला, पार्लियामेंट की बिल्डिंग आप लोगों ने देखी होगी उसके ऊपर हमला किया गया था, तो उस बिल्डिंग पे जब हमला किया गया आप लोगों को देखने को मिला था, उस टाइम पर कई सारे लोग मारे गए थे, 14 लोग लगभग मारे गए थे जिसमें से 5 यहां पर टेररिस्ट भी थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहां पर कई सारी हरकतें देखने को मिलती है, कई बार लश्कर ए तैयबा के द्वारा और जैश ए मोहम्मद के द्वारा ये अटैक कराया गया था, तो उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिला। जब बात आती है सिक्योरिटी की तो तब भी इस तरीके की कमेटी यहां पर आप लोगों के सामने पिक्चर में आएगी। फूड मैनेजमेंट की जब बात आती है पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स के अंदर या फिर वैसे भी, तो आप लोगों को देखने को मिलेगी। मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज जो हेरिटेज साइट होती है हमारे यहां पर, किस तरीके से पार्लियामेंट में जो डेवलपमेंट की बात आती है तो उसके हाउसेज के कॉम्प्लेक्स की बात आती है, आप लोगों को देखने को मिलता है यहां पर। पार्लियामेंट के जब आप लोग जाते हैं राष्ट्रपति भवन के आसपास में, तो आप लोगों को यहां पर कई तरीके अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को दूं यहां पर, जैसे हो गया मुगल गार्डन आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके की कई सारी शानदार चीजें आप लोगों यहां पर नजर आती हैं, तो किस तरीके से उस कैरेक्टर को हम लोग मेंटेन रख सकते हैं और ज्यादा डेवलप कर पाते हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। अलग तरीके से अगर आप लोग देखें कमिटी यहां पर कोई भी अगर वॉयलेशन हो रहा है कोई प्रोटोकॉल नॉर्म्स, तो उसके किस तरीके से बिहेव कर रही है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर लोकसभा के मेंबर्स, तो उनके बारे में भी अगर कमिटी यहां पर सेटअप की जा सकती है। रिलेटेड टू एलोकेशन प्राइसिंग, यहां पर टेलीकॉम लाइसेंस की बात की जाती है, आप लोगों को देखने को मिला हमारी कंट्री में 2G स्कैम हुए, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को देखने को मिला कोयले से भी रिलेटेड स्कैम हुआ हमारी कंट्री में, कई सारे बड़े बड़े स्कैम देखने को मिलते हैं, तो किस तरीके से उन स्कैम से यहां से टैकल किया जाता है उनकी इंक्वायरी करने के लिए भी आप लोग यहां पर कमिटी नजर आती है। तो ये कमिटी ऐसी होती है जिस पर्पज के लिए मैंने आप लोगों को बताई है, ये कुछ है, इसके अलावा बहुत सारी सेटअप की गई है, पर लेकिन जैसे ही इन कमिटी का काम खत्म होता है, यहां पर मान लीजिए एक पर्पज कंप्लीट हो गया उसी टाइम पर कमिटी का काम खत्म हो गया, तो कुछ ऐसा यहां पर आप लोगों को प्रोसीजर देखने को मिलता है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं कि ये कमिटी किस पर्पज के लिए सेटअप की जाती है, परमानेंट नेचर की नहीं होती है, काम खत्म होते ही कमिटी की कहानी खत्म हो जाती है। ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को इसके बारे में याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी एडहॉक कमिटी का ही पार्ट है, ये सेकंड पार्ट आप लोग एडहॉक कमिटी का इसको बोल सकते हैं, ये होती है एक एडवाइजरी कमिटी। मान लीजिए कोई भी बिल आया है यहां पर पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट की जब बात करता हूं तो पार्लियामेंट का मतलब होता है दोनों हाउसेज की, लोकसभा और राज्यसभा आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, तो दोनों ही हाउसेज की यहां पर बात की जाती है। तो पार्लियामेंट के अंदर अगर बात करें लोकसभा की तो स्पीकर, और बात करें राज्यसभा की तो चेयरमैन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई बार इस तरीके की कमेटी सेटअप की जाती है और उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन भी यहां पर डिसाइड किए जाते हैं चेयरमैन और स्पीकर के द्वारा। होता क्या है, कई बार बिल हमारे यहां पर पार्लियामेंट के सामने आते हैं, तो उन बिल को जब यहां पर सेलेक्ट कमेटी को, ज्वाइंट कमेटी को भी कई बार दोनों हाउसेज की भेजा जाता है, तो आप लोगों को देखने को मिलता है एक एडवाइस मांगी जाती है। एडवाइस क्या मांगी जाती है कि जो यहां पर क्या है इस बिल के अंदर जो जो चीजें हैं वो अप टू द मार्क है या नहीं है, सही डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं नहीं जा रही हैं। तो कई बार इस तरीके की चीजें बोली जाती हैं कि आप लोगों को एडवाइजरी कमेटी को इस बिल को भेज देना चाहिए। न्यूज में भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा इसके बारे में, जब कोई बिल यहां पर रहता है पार्लियामेंट में तो बोलते हैं कि अप टू द मार्क नहीं है, इसको एडवाइजरी कमेटी को भेज दो। कई बार आप लोगों को इस तरीके की चीजें देखने को मिली है पास्ट में भी। तो देखिए उसके एडवाइस देने के लिए कि क्या क्या काम है इसमें, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या यहां पर सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं, एडहॉक बेसिस पे किसी पर्टिकुलर बिल के लिए कमिटी अगर सेटअप की जाती है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस कमिटी को बोलेंगे यहां पर एडवाइजरी कमिटी। एडहॉक बेसिस पे आप लोगों को टेम्परेरी बेसिस पे जो कमिटी यहां पर सेटअप की गई है तो आप लोगों के सामने इस तरीके यहां पर निकल कर आती है। और यहां पर बिल में जो सजेशन दिए जाते हैं वो कंसिडरेबल यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उनको कई बार कंसीडर किया जाता है, पर कमिटी चाहे कोई भी सेटअप की जाए ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो एक तरीके से नॉन बाइंडिंग कमिटी होती है, वो जस्ट ओनली रिकमेंडेशन देती है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हाथ में होता है उनका एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर रखनी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को देखने को मिलेगा जो भी पावर है वो आप लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हाथ में ही नजर आएगी, और वो पार्लियामेंट में जब डिस्कशन के दौरान जो चीजें सामने आती है निकलकर उन्हीं के बेसिस पे चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, ऐसा नहीं है कि कोई भी अपनी मनमर्जी यहां पर चलाएगा।
एक छोटा सा पोर्शन हो रहा है, ये भी आप लोग देख लीजिए साथ में, ये लास्ट है यहाँ पर, इसके बाद में आप लोग का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। बात की जा रही है कंसल्टेटिव कमेटी की, तो ये कंसल्टेटिव कमेटी आप लोग नहीं कहते कि कंसल्ट की कंसल्टेंट को बुला लेते हैं, कंसल्ट कर लेते हैं, कुछ भी बात आप लोग बोलते हैं यार एक बार मिले तेरे से कुछ कंसल्ट करना था, तो इस तरीके से एडवाइस लेना, सजेशन लेना, डिस्कशन करना आप लोग बोल सकते हैं। हर एक डिपार्टमेंट में आप लोगों को इस तरीके की कमिटीज देखने को मिलेगी, ठीक है ना, वेरियस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में। बात की जाती है ये दोनों ही हाउसेस से यहाँ पर मेंबर आप लोगों को नजर आएंगे और आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मिनिस्ट्री होती है यहाँ पर, जैसे मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा एक्ट करते हैं एज ए चेयरमैन इन कमिटी के, मतलब जो भी इस कमिटी में, जो भी डिपार्टमेंट में, यहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट की अगर बात की जाती है तो एक कंसल्टेटिव कमिटी आप लोगों के सामने निकल कर आती है। इनफॉर्मल डिस्कशन यहाँ पर होता है, मतलब मिनिस्टर्स ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के होते हैं उनके ऊपर उनके लिए बैठकर एक इनफॉर्मल डिस्कशन करते हैं। मतलब इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती है, ऐसा होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर डिस्कशन करते हैं, कोई यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई प्रोटोकॉल बांध रखी है कि इस बाउंडेशन में आप लोगों को डिस्कस करना है, किसी भी एरिया में वो जाकर घुस सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरीके से आप लोग मान लीजिए कहीं बैठे हुए चार पांच दोस्त बात करने लगते हैं, पहले बात करनी स्टार्ट की पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई से पहुंच गए पॉलिटिक्स पे, पॉलिटिक्स से पहुंच गए मूवी पे, मूवी से पहुंच गए क्रिकेट पे, क्रिकेट से कहीं और पहुंच गए, तो एक प्रॉपर आप लोगों ने क्या किया, एक प्रॉपर आप लोगों ने ये टाइमलाइन नहीं बनाई कि हाँ भैया हमको यहां पर रहना है, बस जहां जहां मजा आता चला गया वहां वहां पहुंचते चले गए। तो ऐसे एक इनफॉर्मल डिस्कशन यहां पर होता है ताकि कई सारी डायमेंशन यहां पर ऐड की जा सके। अगर कोई बिल है, अगर कोई बात है, किसी डिपार्टमेंट में कोई सॉल्यूशन निकालना है, कोई पॉलिसी है, कोई प्रोग्राम है, उसके बारे में कोई डिस्कस करना है, तो यहां पर एक इनफॉर्मल डिस्कशन होता है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला मिनिस्टर है, सामने वाला प्राइम मिनिस्टर है तो देखकर शर्मा जाए थोड़ा, नहीं, यहां पर मेंबर बैठे हुए हैं, बस एक नॉर्मल तरीके से यार दोस्त बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं, और जो भी आप लोग डायमेंशन, जो भी आप लोग एंगल बता सकते हैं इसमें नया एडिशन करने का, वो आप लोग प्रस्तुत कीजिए। कुछ ऐसी बातें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये किसके द्वारा गठन की जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के द्वारा गठन की जाती है। तो थोड़ा मिनिस्ट्री का आप लोग नाम याद रखते हैं, मिनिस्ट्री कई बार पूछ ली जाती है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कंपोजिशन, फंक्शन या प्रोसीजर जो भी होता है इस मिनिस्ट्री के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है इन कमिटीज का। और ये कमिटी का जब भी यहां पर मीटिंग की बात आती है, चाहे तो बात करें सेशन के दौरान या फिर इंटर द सेशन, ये पार्लियामेंट के द्वारा जो डिसाइड किया जाता है इनकी अरेंजमेंट की जाती है मिनिस्ट्री के द्वारा ही। कमिटी में नॉर्मली आप लोगों को 30 मेंबर देखने को मिलेंगे मैक्सिमम और 10 मेंबर देखने को मिलेंगे मिनिमम, ये एक रेंज है। इस रेंज के बेस में डिसाइड किया जाता है कि कितने मेंबर होने हैं, बाकी ऐसा कोई फिक्स नहीं है यहां पर कि कहां से क्या मेंबर और कितना होना है, बस एक रेंज बैठा दी गई है कि हाँ इतने मेंबर यहां पर हो सकते हैं। ओके, मैक्सिमम 30 और मिनिमम 10। और एक बात और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, नॉर्मली ये कमिटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की जाती है जब नई लोकसभा पिक्चर में आती है, क्योंकि जब नई लोकसभा पिक्चर में आएगी उसी टाइम पर यहां पर इनके साथ में कंसल्ट किया जाएगा किसके साथ में क्या क्या बातें होनी है, किस तरीके डिपार्टमेंट को आगे लेना ला के लेकर चलना है। और जब जब आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑन द अदर हैंड, जब यहां पर मिनिस्ट्री डिजोल्व हो जाती है, मतलब लोकसभा डिजोल्व हो जाती है, मिनिस्ट्री नहीं बोलेंगे लोकसभा बोलेंगे, लोकसभा डिजोल्व हो जाती है और लोकसभा ही ओनली डिजोल्व होती है, कभी बोलने लगे कि राज्यसभा भी डिजोल्व हो जाती है, वो एक परमानेंट हाउस है। क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, ठीक है, बोल देंगे पार्लियामेंट हाउस में आप लोगों को देखने को मिलता है लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा डिजोल्व हो जाती है हर 5 साल में, अब बताइए राज्यसभा कितने टाइम में डिजोल्व होती है, राज्यसभा भी डिजोल्व होती है 5वें साल में, तो ऐसी कई सारी बातें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और वहां पर रोटेटरी बेसिस पर वहां पर मेंबर आते हैं और मेंबर जाते रहते हैं, मेंबर का टेन्योर होता है, वहां पर मेंबर आते जाते हैं, पर लेकिन वो परमानेंट हाउस आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा। तो जैसे यहां पर लोकसभा डिजोल्व होती है वैसे ही कमिटी भी यहां पर डिजोल्व कर दी जाती है, कहीं ना कहीं ये इस तरीके की आप लोगों को एक ट्रेडिशन नजर आएगी। इसके अलावा एडिशन आप लोग कुछ और चीजें यहां पर देखने को मिलेगी, सेपरेट इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमिटी भी यहां पर नजर आएगी, इनफॉर्मल बोला गया है, फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। ये कमिटी कैसे होती है, जैसे रेलवे जोन आप लोग देख सकते हैं हमारी कंट्री में, जैसे रेलवे जोन है कई सारे, तो अलग अलग रेलवे जोन में अलग अलग पार्लियामेंट के आप लोगों को मेंबर देखने को मिलेगा, तो पर्टिकुलर किस रेलवे जोन से कोई भी यहां पर पार्लियामेंट का मेंबर है बिलोंग करता है, तो इनफॉर्मल कमिटी आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां पर, उससे रिलेटेड जो भी बात है वो डिस्कस की जाएगी वहां पर। चलिए जब जोन की बात आती है तो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर निकल कर आता है, रेलवे जोन की जब बात आती है आप लोगों को आज जांच के ये सर्च करना है कि आप लोगों का एरिया कौन से रेलवे जोन में आता है। जिस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है कई तरीके रेलवे जोन है, टोटल मिला के 17 रेलवे जोन है, नॉर्दर्न हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, और इसका हेडक्वार्टर आप लोग सामने जरूर लिखेगा किसकी जोन का हेडक्वार्टर कहां पर है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर हो गया, ईस्टर्न रेलवे जोन हो गया, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन हो गया, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन हो गया, सदर्न रेलवे जोन हो गया, सेंट्रल रेलवे हो गया, वेस्टर्न रेलवे हो गया, साउथ वेस्टर्न रेलवे हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे हो गया, तो टोटल मिला के 17 रेलवे जोन आप लोगों के सामने है। ये बताना है आप लोगों का एरिया कौन से रेलवे जोन के अंडर में आता है और उस रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां है, सामने जरूर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा।
ये आप लोगों का अंत, ये आप लोगों का क्वेश्चन है ओके। इसके अलावा जो पर्टिकुलर उस एरिया से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिलोंग करता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, उस उसका मेंबर वो माना जाता है ठीक है ना, मतलब उसके अंडर वो आता है और वहीं पर बात की जाती है किस तरीके से यार इस एरिया में ये बातें हैं, क्या डिस्कस किया जा सकता है कि रेलवे को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है, तो कई सारी बातें यहाँ पर बैठकर डिस्कस की जा सकती है। तो इस तरीके से आप लोगों के सामने ये कमेटी नजर आती है। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर जो कि कमिटी से रिलेटेड था, हमने एक एक करके सारी कमिटी डिस्कस कर ली, कोई भी कमिटी आप लोग यहाँ पर नहीं बची है। रिवीजन करते रहिए, फिर से बोल रहा हूँ सारे लेक्चर्स के लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी। रिवीजन जितना करेंगे उतना ज्यादा शानदार तरीके से आप लोग आंसर ले पाएंगे क्वेश्चनों के ओके। इसके अलावा आप लोग ये बताया कीजिए जो भी एग्जाम आप लोग देकर आते हैं तो कैसा आप लोग का पेपर रहा, जो पढ़ाया जा रहा है उससे एक दो नंबर आप लोगों को अच्छा मिला कोई नहीं मिला, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन आप लोग हमेशा देते रहा कीजिए, क्योंकि सजेशन के बेस पर ही ये वीडियो यहाँ पर आगे चलती है। जैसे जैसे आप सब लोग सजेशन देते हैं वैसे वैसे मैं आगे फॉरवर्ड करता रहता हूँ ठीक है। तो ये आप लोगों के हाथ में मैंने रिमोट कंट्रोल दे रखा है और बाकी का मेरी आवाज बढ़ानी है घटानी है, वीडियो को कहाँ पॉज करना है वो सारा तो आप लोग यूट्यूब का बटन आप लोगों के हाथ में ही है, तो वो भी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं ठीक है। तो बाकी आप लोग इंजॉय करते रहिए पढ़ाई को और एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, जहां भी आप लोगों को मौका मिले किसी की हेल्प करने का वहां पर आप लोगों को चूकना नहीं चाहिए, हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहना चाहिए। पढ़ाने का जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दिया कीजिए, अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पानी को भी सेव कीजिए और पॉलिथीन वगैरह कम से कम यूज कीजिए, और देख कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर किसी को जरा सा हेल्प कर देंगे तो। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।